तो एवरीवन, आज बात करेंगे कि मैंने बहुत से लोगों को देखा है, अपने क्लाइंट्स को भी देखा है कि जब उनका वेट लॉस का चल रहा होता है प्रोसेस, तो वो पैनिक हो जाते हैं, वेट ऊपर नीचे जाता है उनका। तो उसमें क्या है कि मैं आपको एक अच्छी तरह से गाइड कर दूं कि मान लो ये पहली तारीख है महीने की, उसमें आपका वेट, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मान लो 50 किलो वेट है आपका, और हमें 30 तारीख तक जो है, मान लो 45 किलो जाना है 30 तारीख तक, राइट? 50 किलो वेट है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। वैसे तो वेट लॉस में टाइम लगता है, बट आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। और ये पहला दिन है आपका, मान लो मंडे 30 तारीख तक, अभी हमारा टारगेट है, हमें 5 किलो 1 महीने में लूज करना है, राइट? तो आपने डाइटिंग को स्टार्ट किया, डाइटिंग आपने की स्टार्ट, डाइटिंग, तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, ये 5-6 दिनों में आप देखोगे कि आपका 3-4 दिन आपने अच्छी तरह से डाइट फॉलो की, आपका वेट हो गया 49.5 मान लो, ठीक है? उसके बाद आप अपनी डाइट से, मान लो ये चौथा दिन हो गया, मान लो 7वें दिन आप करते हो चीट संडे, और मंडे को जब आप आते हो, मंडे को आप देखते हो आपका वेट हो गया 51.5, मान लो 2 kg इंक्रीज हो गया। तो क्या होता है कि वो पैनिक हो जाते हैं, उनमें पैनिक आ जाता है कि यार वेट बढ़ गया हमारा। बट ये जो है, हम, हमारी ह्यूमन बॉडी है, हमारी ह्यूमन बॉडी वाटर भी है, हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर 70% वाटर है। जब आप चीट करते हो तो पानी वाला वेट होता है, वाटर वेट बोलते हैं जिसको, वाटर वेट, तो ये टेम्परेरी होता है। अब आप बोलोगे सर ये तो हमारा 50 किलो था, इसमें 49.5 है, वेट तो बढ़ गया ज्यादा, अब 50 से 49.5 से हम कैसे जाएंगे नीचे? तो मान लो 8वें दिन की बात आ गई, आप फिर अपनी डाइटिंग पे स्टार्ट किया आपने, 8वें दिन आपने डाइटिंग की, नेक्स्ट जो है 11वें 12वें दिन आप आ जाते हो डाइटिंग करके, अच्छी तरह से कार्डियो करके। ये ऐसे होता है, ये प्रोसेस है बॉडी का, और आपके साथ भी ऐसे होगा। 49 पे आप पहुंच गए थे, 49.5 पे, फिर चीट किया, उसके बाद डाइटिंग फिर शुरू की। जब आप दोबारा ऐसे डाइटिंग करते हो, मेटाबॉलिज्म जो है, जब आप चीट करते हो ना, तो मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाता है। रोज डाइटिंग करने से भी मेटाबॉलिज्म एक जगह रुक जाता है, ना वेट बढ़ेगा ना वेट ना वेट घटेगा। तो 4 दिन आपने फिर डाइटिंग शुरू की, कर रहे हो, कार्डियो कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, डिसिप्लिन में हो, तो क्या होगा, जो आपका पहले 4 दिन में जो वेट इतना कम हुआ था 500 ग्राम, वो 12वें दिन आपका आ जाएगा 48 kg, वो एकदम से ड्रॉप हो जाएगा। और वो होगा ही होगा अगर आप डिसिप्लिन में रहोगे, डाइटिंग करोगे, क्योंकि इसमें जो ऊपर का ये जो वेट था ना, 50 के ऊपर का 1.5 kg वेट, ये था आपका चीट डे का वेट, जो वाटर का वेट है, जब आपने एक्सेस कैलोरी कंज्यूम की, ये जो एक्सेस वेट है, जो 1.5 किलो का जो भार है, वो 2 दिन के अंदर अंदर आपका, 2 डेज के अंदर अंदर वो वाटर वेट निकल जाता है। आप देखना ऐसे करके, मान लो आपने संडे को चीट किया, 2 दिन आप स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करोगे, जो भी आपका वेट बढ़ा होगा वो 2 दिन के अंदर अंदर वो ड्रॉप हो जाएगा। फिर आपके पास बचे होंगे 4 दिन, वेडनेसडे से लेकर सैटरडे तक, राइट? ट्यूजडे तक ड्रॉप हो गया, वेडनेसडे फिर सैटरडे तक, 4 दिन बचे हुए हैं। तो उसमें आप इजिली जो है 50 kg आपका, मतलब जो 12-15 दिनों में आपका 2 किलो इजीली वेट जो है वो ड्रॉप हो जाएगा, 2 kg ड्रॉप, जिसमें आपका बेसिक जो वेट होगा, जो सारा इसमें जो वेट होगा, वो मोस्ट ऑफ द टाइम वो वेट होता है फैट का भी, वाटर वेट तो लूज होगा ही होगा, राइट? बट जो फैट है वो भी आपकी इन 15 दिनों के अंदर अंदर वो ड्रॉप हो जाएगी। तो 30 तारीख तक हमको टारगेट था कि 50 किलो से हमको जो है 45 किलो तक वापस आना है, राइट? तो अब वो 15वें दिन के बाद क्या होगा, जब वो 15 दिन पूरे हो जाएंगे, मान लो 15वें दिन आपका वेट आ गया 48 kg ऑन 15th डे, अभी भी हमारे जो है 15 दिन हमारे पास बचे हुए हैं, 15 दिन, राइट? अब फिर मान लो संडे आ गया, या बीच में आप ऑफ कर गए, आपने ऑफ ले लिया, फिर आपने कुछ खाया पिया, मान लो आप अपनी डाइटिंग करते रहे, बट आपने बीच में ऑफ ले लिया, 2 दिन छुट्टियां कर ली, या आपने क्या किया, संडे को चीट कर लिया, तो फिर क्या होगा, ये नेचुरल प्रोसेस है बॉडी का, ये बॉडी का नेचुरल प्रोसेस है, आपका जो है वेट फिर से हो सकता है 1.5 kg टू 2 kg का उसमें इंक्रीमेंट हो जाए, इंक्रीज, बट इससे आपको पैनिक नहीं होना। मान लो 15वें दिन आपने चीट कर लिया, 1.5-2 किलो वेट बढ़ गया, उसके बाद क्या करना है, 18वें से 20 दिन के अंदर अंदर जब आप दोबारा अपनी जो है डाइटिंग पे आओगे,
आप देखोगे, और ये ऐसे होता है, ऐसे प्रोसेस होगा, आप देखोगे कि आपका जो है। मैडम 2 मिनट, मैडम 2 मिनट, मैडम जी इधर कहीं यार, 2 मिनट बस, 2 मिनट, 2 मिनट। आप देखोगे 18 में से 20 दिन के बाद 48 तक आप पहुंच गए थे, 48 केजीज तक। फिर आपने चीट किया, छुट्टी कर ली, वेट बढ़ गया, टेम्परेरी वाटर वेट, बट 20वें दिन तक जो आपका 48 केजी आया था, और आप देखोगे कि ऐसा होगा, आपका वेट आ जाएगा 46.5 समथिंग। क्योंकि जब भी आप डाइटिंग करने के बाद आप जो है अपना मेटाबॉलिज्म आपका जब बढ़ता है बॉडी का चीट डे करने के बाद, तो जो वेट का भी जो ड्रॉप होता है ना, वेट ड्रॉप, वो भी एकदम से होता है, जल्दी जल्दी एक एक डेढ़ डेढ़ दो दो किलो वेट ड्रॉप हो जाता है। तो 46.5 केजी पे हम आ गए 20वें दिन, राइट। अभी भी हमारे पास 10 दिन बचे हैं, राइट। तो उसमें अब क्या होगा, 10 दिन बचे हैं, आपने देखा कि भैया मेरा वेट, मैं तो पहुंच गया 46.5, मेरा तो 45 तक जाना था मुझे, मेरा सिर्फ 1.5 किलो बचा है। उसमें आप क्या करते हो, उसमें आप फिर इजी हो जाते हो, आप फिर इजी हो जाते हो, आप छुट्टी कर लेते हो, ऑफ ले लेते हो, और आप एक्सेस ऑफ फूड खा लेते हो, राइट। एक्सेस अमाउंट ऑफ फूड, फिर ऐसा प्रोसेस होगा, 46.5 से आपका वेट एकदम से 1 या 1.5 किलो ड्रॉप, वो सॉरी बढ़ जाएगा, आपका फिर वेट 48 केजीज हो जाएगा, और आप फिर पैनिक हो जाओगे। इसमें पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है, डोंट पैनिक, राइट। 5 दिन पड़े होंगे आपके पास, 5 डेज लेफ्ट, फिर डाइटिंग पे आओ, मेटाबॉलिज्म रेवअप हो जाएगा,